ने इस कार्यशाला को वर्चुअली किया संबोधित। उत्तराखंड राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत सहित कई विश्वविद्यालयों के कुलपति और छात्रों ने पीएम को वर्चुअली सुना। पीएम ने कहा कि मैं उन सभी राज्यपालों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने विकसित भारत के निर्माण से संबंधित इस कार्यशाला का आयोजन किया है। पीएम ने कहा कि हर भारतीय को विकसित भारत के लिए योगदान देने की सोचनी चाहिए। जिस तरह आजादी के लिए हर भारतीय ने योगदान अपने स्तर से दिया, ठीक उसी तरह विकसित भारत के लिए योगदान देने की जरूरत है। पीएम ने कहा कि विकसित भारत के विजन के लिए ऐप लॉन्च किया गया है, जिस तरह इंडिया में सबसे पहले है उसी तरह आइडिया में आई सबसे पहले है, इसलिए विकसित भारत के लिए आइडिया दें। पीएमसी इस पहल का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सराहना की है। देखिए, उत्तराखंड के मौसम की बात करें, आज 11 तारीख आपकी दिसंबर की है और अभी 8 से 10 दिन जो प्रिडिक्शन दिखा रहा है तो उसमें कोई एक्टिविटी विशेष है नहीं, तो जो मौसम ड्राई से चल रहा है वैसे ही रहने वाला है। आज आप देख रहे हैं कि थोड़ी क्लाउडिंग है, तो एक पश्चिम विक्षोभ निकल रहा है लेकिन उसका असर यहाँ नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं जम्मू कश्मीर या उसकी बिहार रीजन में थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन उत्तराखंड को उसका असर इतना कोई आता दिख नहीं रहा। कल थोड़ी क्लाउडिंग और बढ़ेगी, हो सकता है ठीक है हायर नीचे जो उत्तरकाशी चमोली या पिथौरागढ़ की उनमें जो है छुटपुट या कहीं एक्टिविटी हो, पर और जगह उसका असर दिखने वाला नहीं है। क्लाउडिंग जरूर कल आपको दिखेगी, ऐसे ही आगे जाएंगे तो फिर साफ हो जाएगा, वो जो सिस्टम है थोड़ा बहुत जो आ रहा है अभी निकल जाएगा और करीब आप 17-18 में देखेंगे तो फिर एक पश्चिम विक्षोभ है, वो भी वीक है, उसका भी असर नहीं दिख रहा है, पर क्लाउडिंग आप कह सकते हैं 17-18 फिर से आएगी। बाकी मौसम तो मैं कहूँगा मेनली वो ड्राई रहने वाला है। अगर 8 से 10 दिन की बात करें, तापमान है इस समय तो वो सामान्य के आसपास चल रहे, चाहे अधिकतम तापमान देखें आप चाहे न्यूनतम तापमान देखें, बल्कि सामान्य से 1-8 डिग्री नीचे भी है कुछ जगहों में, हाँ कुछ जगहों में वो सामान्य के आसपास ही है। तो इस तरह की एक्टिविटी अभी देखने को मिल रही है, तो ठीक है मैं कहूँगा कि ऐसे तो नॉर्मल है, पर ओवरऑल अगर रेनफॉल की और उसकी बात करें सीजन की जो 1 अक्टूबर से लेकर आज की डेट तक की, तो रेनफॉल कम है, -34% वो चल रहा है। हालांकि दिसंबर की 1-2 तारीख में शुरू में 1-2 दिन जो थोड़ी एक्टिविटी मिली थी, तो उसे दिसंबर मंथ की अगर आप बात करें तो है रेनफॉल है उसमें थोड़ी मिली है, हालांकि पहाड़ों में मिली है मैदान क्षेत्रों में तो नहीं थी, परंतु हाँ एक ओवरऑल अगर देखते हैं आप उत्तराखंड के लिए तो वो दिसंबर मंथ में ठीक है, मतलब डेफिशिएंट नहीं है, पर जब सीजन की आप बात करें तो वो डेफिशिएंट है जी। सर कोहरा किस तरह से मैदानी इलाकों में? कोहरा भी देखने को मिल रहा है, कल सबने दिया भी था ये चीज़ें, और आज जैसे उधम सिंह नगर है या हरिद्वार है उनमें कुछ क्षेत्रों में जो है कोहरा मिला है, और ये मैं कहूँगा अभी रहने वाला ही है आगे भी जो है, क्योंकि तापमान अभी अब कम ही है और कोहरे के लिए फिर वो ठीक है फेवरेबल है उस तरह का। पर हाँ जो डेंस फॉग की बात होती है जिसमें कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें वाली बात होगी ज़्यादा एरिया में होगा, तो ऐसा तो लगता नहीं है अभी कि आगे भी जो है, जब तक जो है कोई एक पश्चिम विक्षोभ अच्छा सा आ करके बारिश ना दे जाए तो उसके बाद वो चीज़ें डेंस फॉग की जो है देखने को मिलती है। तो अभी मैं यही कहूँगा कि शैलो मॉडरेट फॉग थोड़ा बहुत जो है मॉर्निंग्स में वो दिखेगा, लेकिन हाँ जो पूरे दिन भर कोहरा रहता छाया हुआ या डेंस फॉग हो जाए तो ऐसी सिचुएशन कुछ है नहीं।